Hello students, welcome to our new video. Before beginning this video, I would like to suggest you please watch previous two videos, and the link of those two videos have been kept in the description. Okay, in this video we are going to talk about the variation number 2 of interest on drawing when the drawings are regularly made and if the date of drawing is not given. Then variation number 2 is when the date of drawing is not given. जब question में date of drawing नहीं दी हुई होती तो उस केस में interest जो है interest on drawing ये 6 month का charge होता है. ठीक है, अब आपने कभी भी draw किया वो date question में ना given हो, जैसे कि beginning of every month, mid of every month या 1st July, उसने कोई डेट नहीं दिया या ये भी नहीं बताया कि हर मंथ के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के एंड में, तो उन केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 month की चार्ज होती है. और ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाएंगे तो काफ़ी बार आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं होती. जनरली क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर ए ने या मिस्टर बी ने 40,000 और 30,000 रुपीज़ विड्रॉ किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10%, तो आप डायरेक्टली 40,000 का 10%, 4,000 और 30,000 का 10%, 3,000 रुपीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं और काफ़ी बार आपका आंसर रॉन्ग आता है. तो ये जो वेरिएशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन है, और इसे कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने वाला, चाहे पार्टनर्स कैपिटल बनाने वाला आप सॉल्व करें, तो वहाँ पे ये बात ज़रूर अप्लाई होगी, आप याद रखना है ना. तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल जो है वो 6 month का चार्ज होता है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मिस्टर जी और मिस्टर एच दो पार्टनर्स हैं और दोनों ने विड्रॉ किया है 50 और 40,000 रेस्पेक्टिवली. अब क्वेश्चन में और कोई डेट नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं दिया हुआ, केवल इतना बताया मिस्टर जी ने 50,000 और मिस्टर एच ने 40,000 रुपीस विड्रॉ किए. तो इस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 10% पर एनम दोनों पार्टनर्स का. आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12. अगर इक्वल पैसा इक्वल टाइम इंटरवल में निकाला, तो यहां पे इक्वल अमाउंट तो है नहीं, तो केवल मंथ अपॉन 12 कितने मंथ के लिए निकाला. तो यहाँ पे आप देखिएगा टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी. अब आपके पास दो पर्सन है, मिस्टर जी एंड मिस्टर एच. तो मिस्टर जी का टोटल ड्राइंग्स है 50,000 रुपीज़. अब आपको यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100 इंटू मंथ अपॉन 12. तो ये याद रखना, एवरेज मंथ यानी 6 month का आपके पास यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जब क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन नहीं होता. और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में. तो 50,000 का 10%, 5,000 6 month का 2,500 रुपीज़. वैसे ही मिस्टर एच की अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 जो मिस्टर एच ने विड्रॉ किया इंटू 10/100 इंटू इनका भी डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो 6 month, तो ये आ जाएगा 2,000 रुपीस. ये है वेरिएशन नंबर 2 जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती. तो याद रखना, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगा तो 6 month का इंटरेस्ट चार्ज होगा. क्लियर? अब हम बात करते हैं वेरिएशन नंबर 3 की. वेरिएशन नंबर 3 में क्या है? व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज गिवन विदाउट वर्ड पर एनम. जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो रेट दी हुई होती है वो पर एनम वर्ड के, पर एनम वर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया हो, पर एनम वर्ड के बिना दिया हो, तो याद रखना उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड. मतलब आपको एवरेज मंथ अपॉन 12 या मंथ अपॉन 12 करने की जरूरत नहीं है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो पर एनम के साथ दिया होगा, तो जो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है वो होगा. अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, चाहे कभी भी ड्राइंग की हो, याद रखना है ना. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ़ मिस्टर आई विड्रॉ रुपीज़ 5,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. मैंने यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग दे दी. डेट ऑफ ड्राइंग मतलब आपने हर महीने के बिगनिंग में निकाला, तो 1st अप्रैल, 1st मई, 1st जून, अप्रैल से अगर आप मार्च तक निकालोगे तो हर मंथ के बिगनिंग में आपने जो है वो पैसा विड्रॉ किया है. अब आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब यहाँ पे केवल 10% वर्ड गिवन है, पर एनम वर्ड गिवन ही नहीं है. तो इस केस को बोलते हैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विदाउट द वर्ड पर एनम गिवन हो. तो उस केस में आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इंटू अपन मंथ अपॉन 12 करते थे. अब वो करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि पर एनम वर्ड गिवन नहीं है. तो टोटल ड्राइंग्स आप देख लीजिए, 5,000 उसने निकाला है. अब क्वेश्चन में ये तो नहीं पता है कितने मंथ तक निकाला है, तो हम लोग मानेंगे पूरे 12 month तक ही ड्राइंग किया है, हर मंथ किया है ना, तो 1 year में 12 month होते तो 5,000 into 12.
और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आंसर आ जाएगा 60,000 का 10% 6,000 रुपीस। तो ये एक वेरिएशन और था, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, जब पर एनम दिया हो तभी आपने जो फर्स्ट वाला वीडियो देखा था उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होंगे, एवरेज मंथ अपॉन 12 काउंट होगा। यहाँ पे अगर डेट ऑफ ड्राइंग की गिवन ना होगी तो आपको ये एवरेज मंथ अपॉन 12 करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसमें उलझ करके रह जाते हैं इस चीज़ को देख करके, और वो एवरेज मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज मंथ केवल वहाँ फॉलो होगा जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पर एनम वर्ड के साथ गिवन है, और पर एनम वर्ड के साथ गिवन नहीं है तो जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड आपका जो ड्राइंग है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप इस पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों की लाइक और आप लोगों के सब्सक्राइब और आप लोगों के शेयर जो है वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं ऐसे। और इन वीडियोस को बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हम फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिन लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन्स नहीं आ रही है, नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक हम इन वीडियोस को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का साथ हमें चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आप इस वीडियोस को, इन सीरीज़ को शेयर करते रहिए, ताकि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने के लिए वो लोग भी इसके थ्रू पढ़ सकें।